आप जो पहले मॉक देने वाले स्टूडेंट थे, आज जो 20वां मॉक दे रहा है, उसके बीच में कितना अंतर है, कितना आपने इंप्रूव करा है, ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही होंगी। हेलो, जय हिंद इंडिया स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एनडीए का जो एग्जाम आने वाला है आपका 2023 का, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और मॉक को किस तरीके से करें ताकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पेपर होता है ना, ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपनी मैथ, इंग्लिश और अपनी साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत हद तक। यानी 70-80% आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाता है। और वहीं पर जब आप लोग मॉक लगाना शुरू करते हैं तो मॉक आपकी जो प्रिपरेशन है उसको रिफाइन करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं और इस तरीके से उसको सेट कर देंगे ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पर बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और कैसे मॉक करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मॉक करते तो सभी हैं, पर उसका एक सही तरीका अगर पता हो तो उसके ज्यादा बेनिफिट को मिल रहे होते हैं। तो वो सही तरीका क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मैथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले मैथ का एक चैप्टर सेलेक्ट करना है, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। सारे कॉन्सेप्ट जब अच्छे से समझ में आ गए, उसके फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, फिर आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। जब आप 10 साल के पेपर करते हैं तो हो जाते हैं टोटल आपके 20 सेट, और हर सेट के अंदर आते हैं 120 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपको एक चीज नोटिस करोगे कि वहां पर 70-80% तक क्वेश्चन वहां पर रिपीट हो रहे हैं और 10% क्वेश्चन है वहां पर जो नए तरह के आते हैं या वेरी करते हैं, और उसमें से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो अगर आप 70-80% बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मैथ के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी होता है। लेकिन आप लोग चाहते हो कि साइड में मुझे और भी अच्छे क्वेश्चन करने हैं, नहीं मुझे 10% भी आपके अटेंड करने हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं, आरएस या आरडी की एक बुक उठा सकते हो और उसके अंदर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो इससे आपको काफी हेल्प मिल रही होगी। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपके जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते हैं वो आपके रिपीट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स या इडियम फ्रेज आपका रिपीट नहीं होता है। तो वो कैसे रिपीट होता है? तो यहां पर एंटोनिम्स या सिनोनिम्स के अंदर आपके जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उस ऑप्शन से जुड़े हुए एंटोनिम्स या सिनोनिम्स अगले पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। यानी इस बार जो आपका ऑप्शन था, इस बार जो आपका आंसर के अंदर दे रखा था, अगली बार वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन है उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स या इडियम या फ्रेज आपने देख लिया, उसके बाद जो नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक तो सेम होगा, बचे हुए जो तीन है उनके भी आपको इडियम फ्रेज या एंटोनिम्स सिनोनिम्स उनके निकालने हैं, यानी उसके भी आपको आंसर निकाल के चलने हैं ताकि अगली बार जब वो पूछा जाए तो उसका आंसर आप दे रहे हो। आपको 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाने की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग उसकी बुक परचेज कर लें। वैसे ऐसी कई सारी बुक आती है, लेकिन इसके अंदर से जो मुझे बुक ठीक लगी वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, क्योंकि इस बुक के अंदर जो आपके सॉल्यूशन दे रखे हैं वो अच्छे दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे लेकिन जो सॉल्यूशन है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहां पर जो भी क्वेश्चन है आपको उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन उस बुक के अंदर दे रखा है, यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपसे नहीं होता है आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा जो काफी डिटेल्ड दे रखा है। इसके अलावा उस बुक के अंदर आपको एनालिटिक्स भी दे रखे हैं, यानी आप जिसको हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बुक के अंदर ही आपको जीएटी और मैथ दोनों के पेपर मिल जाएंगे, 2012 से लेकर 2022 तक के पेपर इसके अंदर दिए गए हैं, यानी टोटल आपके 21 पेपर हो जाते हैं। और इन पेपर को जब आप कर लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और सारी चीजें यहीं से आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सॉल्यूशन भी उसके साथ आपको दे रखे हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो अपनी एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 2700 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अगेन एनडीए के मैथ और जीएटी दोनों के होंगे। अब इन बुक को परचेज कर सकते हो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के पर जाकर, वरना आप लोग चाहें तो डायरेक्ट अमेजोन पर जाकर अग्रवाल एग्जाम कार्ड के एनडीए की बुक्स को जाकर परचेज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं बचे हुए पोर्शन की, जो हमारा रहेगा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर आपको क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, पर क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं होता है जनरल स्टडी के जो सोशल साइंस का पोर्शन है, लेकिन साइंस के अंदर ऐसा होता है। तो सोशल साइंस में आपको यह करना है कि किस तरह के क्वेश्चन मुझे दे रखे हैं, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, किधर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किधर से कम आते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। उससे आपको ये समझ में आएगा कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पोर्शन को आप लोग आइडेंटिफाई करके उस पोर्शन में ज्यादा मेहनत कर सकते हो ताकि आपके ज्यादा मार्क्स वहां पर आ रहे हो। अब बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 50% क्वेश्चन है तो इर्द गिर्द उसके घूमते हुए मिल जाएंगे। जैसे इस बार क्वेश्चन आया तो उससे जुड़ा हुआ उसके आस पड़ोस के जुड़ी हुई बातों का जो क्वेश्चन होगा वो आपको अगली बार मिल जाएगा। अब आप कहोगे यार भैया शायद ऐसा नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो,
इस चीज़ को आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो। आप लोग दो या तीन प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो और उसमें साइंस के पोर्शन को मैच करना शुरू करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मान लीजिए आपको लाइट का क्वेश्चन इस बार पूछा गया, आपका क्वेश्चन पूछा गया प्लेन मिरर पर, तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन इस बार आया है तो अगली बार उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। बायोलॉजी वगैरह की बात करें तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ भी करें क्योंकि बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसके क्वेश्चन मुश्किल से ही रिपीट होते हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्सेप्चुअल उसके क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन के लगभग 50-60% क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे और फैक्चुअल या नए क्वेश्चन जो होंगे आपको 40-30% तक वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा उठाना है, उनको करते हुए जाना है। अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो आप लोग अपने मैथ के, इंग्लिश के और साइंस के पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो साइंस के कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी एक बार, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं होंगे। दूसरा बचा रहेगा हमारा सोशल साइंस, उसके लिए आपको बुक्स वगैरह जरूर लेनी है। बात करते हैं कि मॉक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जैसा कि हम देखें हमारा एग्जाम खत्म हुआ है, आपने अगर तैयारी करनी शुरू कर दी होगी तो आप पिछले 1 से 1.5 महीना हो गया होगा तैयारी करते हुए, तो हमें अब आगे की तैयारी करनी है। तो इस आगे की तैयारी करने के साथ साथ हमें मॉक भी करते हुए चलना है। अब यहाँ से टाइम आ चुका है कि आप लोग मॉक करना शुरू कर दो, और मॉक जब भी आप लोग करते हो तो हर हफ्ते कम से कम एक मॉक अभी करना शुरू कर दो। अभी आप लोग 1 महीने के अंदर 4 मॉक दे रहे होंगे तो ठीक रहेगा, 4 इसके अंदर मैथ के होंगे, 4 इसके अंदर जीएटी के मॉक होने चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको इसका नंबर बढ़ाते जाना है जैसे जैसे एग्जाम करीब आपका आता जाएगा। अब यहाँ पर जब आप लोग मॉक करते हो तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान देना जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। सबसे पहला, मॉक की टाइमिंग वही रखना जो आपकी एग्जैक्ट पेपर की टाइमिंग होती है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। ऐसा करने से आपके जो पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी उसी टाइम पर पेपर देने की। तो 10 से 12:30 के बीच मैथ का पेपर दोगे, फिर 2 से 4:30 के बीच दोगे जीएटी का पेपर। अब ये ऐसे करते करते अगर 4 से 5 महीने तक करोगे तो आपको आदत हो जाएगी उस टाइम पर पेपर देने की। जब मेन एग्जाम दे रहे होगे तो आपको पता होगा कि ऐसा तो मैं करते आया हूँ, आपको एक्स्ट्रा एंजाइटी नहीं होगी। उस टाइम के बीच में कैसे पेपर को सॉल्व करा जाता है वो आपको पता होगी, और साथ में आपको एक चीज़ और भी पता होगी कि मैथ का पेपर करने के बाद जीएटी के पेपर को कैसे सॉल्व करा जाता है, क्योंकि उस पेपर को अगर अच्छा हुआ या खराब हुआ या आप उसको प्रॉब्लम हुई है तो उसको कैसे आपको रखकर अपने दिमाग में उसको फेस करते हुए दूसरा पेपर देना है, किस तरीके से आपको मेंटल फैटिग होती है, कैसे आपको थकान होती है, वो भी आपको समझ में आएगी एक पेपर से दूसरे पेपर में जाने में। तो उन सभी चीज़ों को आप लोग मैनेज कर पाएंगे 4 से 5 महीने में। ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है जिसको आप लोग जरूर फॉलो करें। अब इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप मॉक दे रहे हो तो उसके साथ में आपको करना है सेल्फ ऑडिट। अब सेल्फ ऑडिट में आपको करना क्या, तो सबसे पहले आपको जो भी मॉक कर रहे हो उस मॉक का डेट, उस मॉक का नंबर, कि ये पहले नंबर का मॉक है तो वहाँ से शुरुआत करनी है, ऐसे करते करते आगे चलना है। अब जैसे ही आपने पहला मॉक दिया मान लीजिए मैथ का और जीएटी का, आपका ये एक पेपर में मानूंगा कि आपने एनडीए का एग्जाम एक बार दिया है। अब इस एग्जाम के बारे में आपको एक पेज पर लिखना है कि मैंने मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन मेरे सही गए, कितने मेरे गलत गए, कितने क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक करी है, किन क्वेश्चन में मैंने मेजर मिस्टेक करी है, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं अटेंड कर सकता था पर टाइम की वजह से नहीं कर पाया, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं अटेंड कर ही नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और सारी चीज़ें उसके आगे नंबर लिख देने, कितने कितने मैंने करे, कितने नहीं करे, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट क्या है। अगला मॉक दोगे समझ में आएगा कि मैंने इंप्रूव किया है या नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल हो रही होंगी, तो वो काफ़ी चीज़ें फायदा देंगी। और कई बार हम करते हैं कि मॉक करते हैं और छोड़ देते हैं, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। आपको गलती करनी है, पहला मॉक गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा, लेकिन करते करते आप सीखते हुए चलोगे, लेकिन जब आप ये सेल्फ ऑडिट करते हुए चलोगे तो ये ऑडिट अगर आप लोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कैसे मेंटेन करना है और वीक पॉइंट है उनको कैसे ऊपर पहुंचाना है। फिर इसका ओवरऑल स्कोर निकल कर आएगा कि उस एग्जाम के अंदर आपका कितना स्कोर निकला। उस ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको नीचे ही अपने रिमार्क लिख देने हैं कि मुझे अगली बार इस चीज़ पर फोकस करना है, अगली बार मुझे इस चैप्टर पर फोकस करना है, अगली बार मुझे ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये एक पेज उसके लिए रिजर्व हो जाएगा। आपकी 10 से 20 रुपये की कॉपी आपका सेल्फ ऑडिट कर रही होगी और ये कॉपी आपके लिए इतनी वैल्यूएबल हो जाएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पहले मॉक से लेके जो 20वां या 25वां मॉक दिया होगा उस तक आपका कितना इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, और आप जो पहले मॉक देने वाले स्टूडेंट थे आज जो 20वां मॉक दे रहा है उसके बीच में कितना अंतर है, कितना आपने इंप्रूव करा है, ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही होंगी। अगर
पहली बार कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसे डरना नहीं है, इम्प्रूव करना है उसके लिए। उसके लिए रिमार्क लिखो, अपने आप को देखो, अपने आप से हारो मत, उस चीज़ को सॉल्व करो। क्योंकि सोचो अगर आपका गलत हो रहा है, आप जानते हो, ऐसा नहीं कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप जानते हो कि आपका गलत हुआ है, तो उसके बारे में सोचने की जगह आप ये देखो कि आपको उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें फायदा दे रही होंगी। और इस तरह से अगर मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका काफ़ी हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है साइंस के अंदर और सोशल साइंस के अंदर। अगर आपकी सोशल साइंस बहुत अच्छी है तो और अच्छी बात है, लेकिन आपकी सोशल साइंस अच्छी नहीं है, आप लोग अगर PCM के स्टूडेंट हैं तो आप लोग PCM पर ही फोकस करके कर सकते हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साथ में इंग्लिश आपको इंक्लूड कर देनी है और बायोलॉजी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सोशल साइंस का एक भी क्वेश्चन ना कर पाओ, आपने भी पढ़ी होती, कुछ क्वेश्चन तो आप लोग भी करके आओगे आराम से। तो ये सारी चीज़ें फायदा देंगी और आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर एक हो जाएगा। तो जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है आपको खुद से इंप्लीमेंट करनी है। आप लोग कुछ दिन लगाकर देख लो, अगर आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा हो तो आपको फायदा होगा, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना है जो अपने आपसे आपने बना लिया हो, और इन सारी चीज़ों को सही से लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए और आपने बोला यार भैया आपने तो गलत बोला था, फिर जाके बोलोगे कि यार कोई फायदा नहीं है, फालतू की बात बता के चले गए। लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और साथ में तब तक अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।